दिखाती हूँ आपको हमारी शॉप जो कटरा में है। मैं आपको पूरा लोकेशन दिखाती हूँ अभी। ये वाली बहुत सुंदर है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं और मम्मी जा रही हैं दिवाली की शॉपिंग के लिए कटरा। तो ये जो पूरा लुक मैंने क्रिएट किया है उसका शॉर्ट्स या तो अपलोड हो चुका होगा या तो एक दो दिन में अपलोड हो जाएगा, तो आप प्लीज़ उसे भी जाकर चेक कर लेना। एंड उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ क्या क्या सुंदर सुंदर चीज़ें थी और हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें ली। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स गो। टोटो से जा रही हूँ मैं आपको पूरा मार्केट में चलते चलते दिखाती हूँ। यार लोगों ने अपनी दुकान इतने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है ना, फुल दिवाली वाइब्स है ऑल अराउंड। सो आई विल शो यू। बहुत छोटे छोटे हर जगह लगे यार। आपको कितनी टाइम से रहती है यहाँ पे भैया? कार से गए, कार से आए, तो कुछ नहीं मालूम कहाँ गए। मुझे भी रास्ते जल्दी याद नहीं। प्रॉब्लम है मुझे ना, रास्ते बहुत जल्दी याद नहीं रहते। रेगुलरली जाऊँगी तो यहाँ सब्जी मंडी है। यहाँ सब्जी मंडी सब्जी मंडी तो ले लेंगे हम लोग। क्या ये देखो पूरे रोड पे लगे। बस 5 मिनट में कटरा पहुँच जाएंगे। फेमस बुक शॉप है यहाँ पे। इतने सारे कॉपी लेना है लगे हैं यहाँ। हाँ लेना सब जगह लगा। आप इलाहाबाद से हो तो टू लेकिन इतने सुंदर सुंदर छोटे छोटे दियाज मिल रहे हैं यहाँ पे। चाची ये कितने का है, कैसे दे रही हैं? 400। देखो पूरी मार्केट में इतनी भीड़ है। मूर्ति हम आए हैं बर्तन वाली शॉप पे, तो वहाँ चलेंगे हम। कितने का? मुझे ग्लास लेना था। और क्या लेना था? प्लेट, ये वाली प्लेट और दुकान भेजने के डिब्बा टाइप का छोटा छोटा। अच्छा ढक्कन के साथ ये ऊपर लग गया। ये ढक्कन अरे वो जो देखी अचार अचार रोज मैंने क्या क्या चीजें निकाली मैं आपको दिखाती हूँ। ये घी रखने वाला नहीं, वो बहुत बड़ा है। नहीं ये चीज ठीक है। सारे देखो तो ये रंगोली देखी नहीं। चलो कितनी भीड़ है देखिए। अरे यहाँ पे देख लेते हैं, आइए यहाँ देख लेते हैं। बस कृष्ण जी कितने सुंदर वाली दिया ये वाली। इसमें कुछ देखते हैं अगर अच्छी मिली तो वी कैन हैव सम। ये सब कितने प्यारे हैं। दिखाती हूँ आपको हमारी शॉप जो कटरा में है। मैं आपको पूरा लोकेशन दिखाती हूँ अभी। ये राजलक्ष्मी कलेक्शन। अभी राजलक्ष्मी कलेक्शन और कौन सा रंग लेंगी? ब्लू लेंगी। पहले तो हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक ली क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगी, तो बर्तन ले लिया, कुछ रंगोली के सामान ले लिए और अब हम रुके हैं यहाँ पर। पूछते हैं इसकी रेट, इसकी रेट। ओह ये देखो, देखिए पहले इसकी साइज खोलिए पूरा। हमें लग रहा है छोटा है। निकालें तब तो भाई देखो हर जगह भीड़ है। ये वाली शॉप मुझे पसंद आई जिसमें से मैं लूंगी ये वाला। ये फिर देखो भैया कौन सी क्या है दिखा दीजिए। उसमें तो वो कर्सी हुआ दे दीजिए। वहाँ पर नहीं होगा चीज़ें हम लोगों ने ले ली है और अब इसके बाद वो आगे जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या मिल रहा है। जो पसंद की चीज़ें थी वो कुछ खास यहाँ दिख नहीं रही।
कमाल दुपट्टा देख रही हूँ ये आप देखो, शाम होते होते ना यहाँ पे भीड़ बढ़ती ही चली जाएगी। तो हम रुके एक दुकान पर और मम्मा थक चुकी है, मम्मी से ही घर चलो। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कुछ कवर्स, इसके बाद फिर हम घर चले जाएंगे। उस तरह के कपड़े टाइप का लोगों, हाँ बाकी तो रूम्स के लिए कपड़े टाइप कर लेंगे। कितने का है ये? उसमें और कलर्स दिखा दीजिए हमको। रूम के बाहर तो तुम्हारे बाथरूम के बाहर, बाथरूम के बाहर पैर वाला ले लो दो तो। हाँ दो तो पैर वाला, दो 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 दे दीजिए। गाइस मेरी हालत ख़राब हो रही है दोनों हाथ के सामान लेकर। और जैसे जैसे शाम हो रहा है ना रौनक देखो बढ़ती जा रही है, देखो लाइटिंग। रेड वाला दीजिए ना, रेड वाला वही दे दीजिए। और अभी हम लोग को बहुत दूर जाना है। 80 रुपये दो सिवानी। कितना? 80। कितने रुपए का दे रहे हो ये? 70। 100 पीस निकालिया देख के दो। यहाँ से ये वाली, अब अंकल वो वाली कितने की है? करते हो गए हैं 5:30 और अब लाइटिंग यहाँ की बढ़ रही है, चीज़ें बहुत खूबसूरत लग रही है। और पर हर दुकान की भीड़ है। हाँ हाँ ये गोलगप्पा खा ले। अच्छा सारे आइटम्स हैं और हाथ दर्द हो रहा है यार पकड़ते पकड़ते। ये देखो भीड़ देखो आप, जगह जगह दिया रंगोली मिलेंगे आपको। अभी हो गए हम लोग जाएंगे यहाँ से घर। ये वाली बहुत सुंदर है। चलिए आगे एंड बहुत थकावट हो गई है। थकावट इन द सेंस कि हाथ दर्द हो रहा था क्योंकि मैट वगैरह बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे थे हाथ में कैरी करने के लिए। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें लेकर आई हैं एंड अभी काफ़ी चीज़ें पेंडिंग भी हैं, बट लेट मी शो यू फर्स्ट। सारे मैट्स ये मैंने लिए हैं अपने बाथरूम के लिए, सॉरी बाथरूम के बाहर के लिए, और ये होम वाला जाएगा बाहर एंड ये रूम्स के बाहर हैं। एंड ये वाला सबसे ज़्यादा कॉस्टली था, ये वाला बहुत हैवी भी है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली था पर अच्छा है। ये बाथरूम के बाहर के लिए, दिस इज़ नाइस बट आई लाइक दिस वन, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा तो मैंने चटाक से ले लिया। तो बोला ये वैसे कितने का दिया? ठीक है दिक्कत कर दिया था, ठीक है ये है। इसमें ये है फ्लावर्स आर्टिफिशियल डाइनिंग टेबल के लिए, बहुत खाली खाली सा लगता है तो ये वहाँ पे लगा दूँगी। और इसमें है डाइनिंग टेबल का कवर, इसमें हमने पैक कराया था ये चाट जिसे मैं अभी खाऊंगी। तो आज की शॉपिंग तो हो गई और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। शॉपिंग करने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, कुछ बेसिक चीज़ें ली हैं, बाकी अभी निलय और पापा फिर ले आएंगे क्योंकि दिवाली सिर्फ 2 दिनों में है। मुझे कमेंट करके बताना कि आपने दिवाली में क्या क्या शॉपिंग की है या आप क्या क्या लेने वाले हो या आप अपनी दिवाली कैसे सेलिब्रेट करोगे, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय। एंड गाइज दिवाली बहुत अच्छे से मनाना, बहुत जोर शोर से मनाना, खूब पटाखे बजाना, बट अपना ध्यान भी रखना कि कहीं चोट ना लग जाए। सो बी सेफ
एंड हैप्पी दिवाली। बाय। मैं एक चीज तो आपको बताना भूल ही गई पूरे व्लॉग में कि हम लोगों ने जो बर्तन लिए थे वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रखा था। एक कढ़ाई ली और वो घी रखने वाला बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा था, वो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। वो लिए, कुछ टिफ़िन लिए, एक नाइफ और पिज़्ज़ा कटर या कुछ कुछ और भी चीज़ें, तो क्योंकि बहुत हैवी हो रहा था, हम लोगों को आगे शॉपिंग में बहुत दिक्कत होती, तो हम लोगों ने वो दुकान पर ही छोड़ दिया। तो पापा लेकर आएंगे एंड बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। सो मार्केट में इतनी ज़्यादा रौनक बनी हुई है ना इस वक्त, अगर आप कुछ, आपको जैसे कुछ नहीं भी चाहिए ना, तो प्लीज़ मार्केट निकलो, घूमो, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती हैं ना, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे फेस्टिवल्स में जाना, चीज़ें एक्सप्लोर करना, लेना, तो आई पर्सनली लाइक इट अ लॉट। तो मुझे कभी भी कोई भी बोले ना कि यार चलो मार्केट चलते हैं, तो मैं फटाक से रेडी हो जाती हूँ। सो यही बताना था मुझे जो मैं भूल गई। और बार बार आप लोग बोलते रहते हो कि होम टूर दो, तो दिवाली के टाइम मैं बहुत ही शॉर्ट एक होम टूर आप लोगों को दे दूँगी, छोटा सा, बहुत डिटेल में नहीं दूँगी, डिटेल में कभी बाद में दूँगी मैं, तो छोटा सा एक टूर दे दूँगी आप लोग को। तो दिवाली वाला व्लॉग आप लोग ज़रूर से देखना, या तो फिर मैं बीच में अपडेट भी कर दूँगी। टिल देन, हैप्पी दिवाली गाइस, स्टे सेफ, बाय अगेन।